हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका नीट का क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज़ में आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है। एक आपके पास लिस्ट वन दिया हुआ है, एक लिस्ट टू दिया हुआ है, इन दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। तो ऐसे सवाल आपको पता है कि नीट में जनरली आते हैं, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा क्लियर रहे तो ऐसे सवालों को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस सवाल की बात करूँ तो मुझे इस सवाल के इन्फॉर्मेशन में जो ये एक्सरे है, इसका मुझे पता है कि जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि लगभग 10 × 10⁻¹⁰ मीटर के बराबर होता है। अब देखें अगर, तो एक्सरे वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि जो ये एक्सरे है वो किस वाले से मैच कर रहा है, पहले वाले से, यानी कि जो डी है उसका पहला। अगर आप देखें तो डी वाला पहला हमारे पास 3 जगह है। ठीक है, तो अब हमारे लिए थोड़ी दिक्कत है, मतलब ये वाला तो ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, ये तो नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि और कौन सा हमारे पास डेटा है जो हमें क्लियर कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें, जो ये हमारे पास रेडियो वेव्स होते हैं, इन रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻²⁰ मीटर के बराबर होता है। मतलब जो ये एक्सरे है, इसका तो 10⁻²⁰ हो गया, यानी कि डी का फोर हो गया। और फर्स्ट का हमारे पास कौन सा हो गया, सेकेंड वाला, तो देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड और डी का फर्स्ट, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड वाला, ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ किया नहीं, आपने देखा कि डेटा की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। और इसमें हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे पास एक्सरे है ये 10⁻²⁰, और ये जो रेडियो वेव्स है ये 10⁻²⁰ मीटर, यानी कि डी का फर्स्ट और ए का सेकेंड। तो हमने सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, टिक कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक है।